अगर आपका बजट 8,000 से 9,000 रुपए के अंदर है और आप एक अच्छी साइकिल ढूंढ रहे हो अपने रेगुलर राइड करने के लिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशु और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑन ट्रैक फ्यूरी 700C को, जो कि ऑन ट्रैक बाइक्स के तरफ से एक सिंगल स्पीड में आने वाली हाइब्रिड साइकिल है, जो कि आपके राइडिंग के लिए काफी बेस्ट हो सकती है। और ये जो साइकिल है सिर्फ 8,000 से 9,000 रुपए के बजट में ही आती है। तो चलिए देखते हैं। नाउ ऑन ट्रैक की फ्यूरी जो मेरे पास है, ये मैंने व्हाइट कलर में ली थी। और व्हाइट कलर की वजह से ये साइकिल इतनी ज्यादा प्यारी लगती है ना, कि जब मैं इसको लेकर रोड पर राइड कर रहा था तो जितने भी लोग रोड पे थे वो सबके सब इस साइकिल को जरूर देख रहे थे कि कौन सी साइकिल है। एंड इनफैक्ट व्हाइट कलर में साइकिल्स देखने में इतनी प्यारी लगती है ओवरऑल ग्राफिक्स के साथ, कि ये लोगों का अपने आप ही अट्रैक्शन कैच कर लेती है। नाउ ऑन ट्रैक फ्यूरी का जो फ्रेम है ये बना हुआ है हाई टेंसाइल स्टील का, इंटरनल केबल राउटिंग के साथ आता है। ऑन ट्रैक बाइक्स इस साइकिल के फ्रेम में आपको लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करती है। साइकिल के फ्रंट में आपको एक रिजिड स्टील का ही जो फोक है वो प्रोवाइड किया गया है कंपनी के तरफ से। साइकिल का हैंडल बार काफी ज्यादा वाइड है, राइजर हैंडल बार आपको प्रोवाइड किया गया है, स्टील का बना हुआ है, जिसके साथ आपको एलॉय का जो स्टेम है वो मिल जाता है। साइकिल के हैंडल बार में ग्रिप्स आपको रबर के मिल जाते हैं एंड जो ब्रेक के लिवर्स हैं ये मेटल के बने हुए हैं। ये जो ऑन ट्रैक फ्यूरी है ये एक सिंगल स्पीड यानी कि सिंगल गियर की साइकिल है। अब सिंगल गियर की साइकिल है तो डेफिनेटली इसमें क्या है ना, कि गियर्स को मैनेज करने की झंझट खत्म हो जाती है, कि गियर्स खराब हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, बार बार मैकेनिक के पास लेके जाओ, तो वो झंझट इस साइकिल में आपको आने नहीं वाली है। सिंगल स्पीड चलाने में भी बहुत ज्यादा सिंपल होती है और इसको मेंटेन करने का कॉस्ट भी सबसे ज्यादा लो होता है। आपको सिर्फ आई थिंक महीने में शायद एक दो बार ही इसको ल्यूब या ऑयल या क्लीन करना पड़ेगा, उसके अलावा ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत ऐसे सिंगल स्पीड की साइकिलों में पड़ती ही नहीं है। नाउ क्योंकि ऑन ट्रैक फ्यूरी एक हाइब्रिड साइकिल है, इस बाइसिकल में आपको डबल वॉल्ड एलॉय के व्हील सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको पेयर किया गया है रैल्सन के 700x35C टायर्स का। रोलिंग भी बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल काफी लॉन्ग टाइम तक ये जो टायर है ना, ये टिके रहते हैं, हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब इस साइकिल का जो सैडल है ना गाइस, वो आपको दिया गया है काफी मोटा और काफी वाइड है ये, जिसके वजह से आपको पैडेड शॉर्ट्स पहनने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का पैंट पहन लो, आराम से इसके ऊपर बैठोगे ना, कंफर्ट ही कंफर्ट आपको मिलेगा और बस लेके निकल जाओ। हैंडल बार वाइड होने की वजह से ओवरऑल राइडिंग में भी ये साइकिल काफी अच्छी है एंड ओवरऑल जो इसके कंट्रोल एंड हैंडलिंग है वो भी बहुत अच्छी है। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये सिंगल स्पीड की साइकिल है तो ये कितना फास्ट जा सकती है, नहीं जा सकती। मैंने जब इस साइकिल को राइड किया था ना, तो ये बहुत ही इजीली 32.5 के किलोमीटर पे तो ये चली ही जाती है। और अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो ना, मैं इसको राइड कर रहा हूँ, वो भी सिंगल हैंड से मैं राइड कर रहा हूँ, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में GPS मीटर, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, आप वीडियो में देख ही सकते हो। जब हाई स्पीड में राइडिंग कर रहे हो तो ब्रेक्स का भी जरूरत पड़ता है, तो ऑन ट्रैक फ्यूरी में आपको डबल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड किया है कंपनी ने। जी हाँ, इस साइकिल में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है ऑब्वियसली, बट 160mm रोटर्स के साथ आते हैं। अब ये जो साइकिल आप खरीदते हो तो इसमें आपको एक्सेसरीज में क्या क्या मिल जाता है, चलिए दिखा देते हो। तो मेरे पास जब ये साइकिल आई थी, पैकिंग कुछ इस तरीके से हो रखी थी, एक्सेसरी बॉक्स के अंदर हमको इसका पेडल, हमको एक छोटा बेल, एक वाटर बॉटल होल्डर, कुछ टूल्स, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड की गई थी इस साइकिल के बॉक्स में। बहुत ही इजीली घर पे ही मैंने इसको पूरी तरीके से असेंबल कर लिया, तो आप भी अगर खरीदते हो ऑनलाइन, घर पे ही काफी इजीली इसको असेंबल कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सारे टूल्स आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं। तो मेरे पास ये साइकिल एक हफ्ते से है, एक हफ्ते तक मैंने इसको नॉर्मल छोटी मोटी राइड्स के लिए मैंने इसको यूज किया है, जैसे कि घर से मुझे कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जाना हो, घर से मार्केट जाना हो, या फिर आपको 20 से 40 किलोमीटर की राइड भी अगर करनी है तो वो भी आप इस साइकिल के ऊपर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। साइकिल चलाने में काफी कंफर्टेबल है। इस साइकिल का जो वजन है ना, वो थोड़ा सा भारी जरूर है, 14 किलो के करीब ये साइकिल है। अब सिंगल स्पीड की साइकिल है तो रिलायबल काफी हो जाती है, बिकॉज गियर के इश्यूज आपको आने नहीं वाले हैं, तो आपका काम है बस आप पेडल मारते रहो और ये साइकिल चलती रहेगी। हाँ, सिंगल स्पीड की साइकिल होने की वजह से थोड़ा सा क्लाइंब में, यानी कि फ्लाईओवर्स वगैरह या थोड़े अगर क्लाइंब वाले रास्ते होंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगा, पर अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपके जो लेग्स हैं उनकी भी पावर काफ़ी अच्छी बन जाएगी और थोड़े ही टाइम में आपको ना, फिर चाहे फ्लाईओवर है कुछ भी हो, उसमें भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। नाउ ये जो ऑन ट्रैक की फ्यूरी है, ये आपको 3 कलर्स में बहुत इजीली मिल जाएगी, व्हाइट जो कि मेरे पास है, ब्लैक
और ग्रीन कलर। नाउ ऑन ट्रैक की फ्यूरी अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये साइकिल आपको 8,500 रुपए के अंदर ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगी। आप इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट ऑन ट्रैक के वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। ऑन ट्रैक बाइक्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इस नंबर पर उनको कॉल कर सकते हो, जिससे वो आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे और आप बहुत इजीली उनसे डायरेक्टली ये साइकिल भी परचेज कर पाओगे। साथ ही साथ इस साइकिल को खरीदने के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। इस साइकिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी साइकिल्स मैं आप लोगों को दिखा सकूं। मिलता हूं अगले वीडियो में।